दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अभी यूडीआई के तरफ से एक न्यू वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि उसका नाम है ई लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, ई लर्निंग। तो इस वेबसाइट के तहत हमें कुछ ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि अगर हम अपना आधार केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसके तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है, जो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप कभी भी अगर अपना आधार केंद्र खोलना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम इसी के बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहाँ पे जाकर के डायरेक्ट आप इस लिंक पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि जो ही आप नीचे आइएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लर्न एंड गेट ट्रेनेड। तो यहाँ पे आपको लर्न मतलब ये सिखाना चाहता है, आपको ट्रेन करना चाहता है कि आपको इसमें किस प्रकार से, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ऑपरेटर, और यहाँ पे सभी को ये सिखाने वाला है। तो सबसे पहले ये सब हमें सीखना है कि हमें किस प्रकार से हम नया इनरोलमेंट करते हैं, किस प्रकार से हम किसी का बायोमेट्रिक का काम करते हैं, अपडेशन का काम करते हैं, तो इस सब इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से हमें लॉगिन किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर एंड इनरोल फोर। तो यहाँ पे हम इनरोलमेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो हमारा अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा, तो हमें यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा अगला इंटरफेस है तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो फॉर्म अभी खुल करके आया हुआ है, इससे हम लोग न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड को हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम फटाफट इसे हम भर के आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे हमें यूजर नेम लिखना है, जैसे कि नाम और कोई लेटर करके वहाँ पे 1 2 3 करके इस तरह से। यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाना है, जिसमें कि हमारे पासवर्ड में हमारा नाम या तो फिर कोई लेटर वर्ड इस प्रकार से, उसमें स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से करके हमें आईडी लेटर का यूज करना है, जो कि काफ़ी मजबूत हो। तो ये बना लेने के बाद यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस को लिखना है और यहाँ पे इंटर फिर से करना है अपने ईमेल को कन्फर्मेशन के लिए। तो इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे सिटी टाउन लिखा हुआ है, तो हमें अपना सिटी टाउन लिखना है, यहाँ पे स्टेट को करना है सिलेक्ट क्लिक करके, जो भी हमारा स्टेट होगा उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो ही करेंगे तो यहाँ पे एजेंसी टाइप और यहाँ पे एजेंसी नेम आएगा। तो इस सब को हमारा कोई कंपलसरी नहीं है करना, जो यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, जो यहाँ पे रेड मार्क है बस यही हमारा कंपलसरी है, जिसे हम फटाफट यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ हम लिख चुके हैं, लिखने के बाद यहाँ पे क्रिएट माई न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे यहाँ पे क्रिएट माई न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा अगला इंटरफेस है वो खुल करके कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे हम जो ही क्लिक किए हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आया हुआ है और यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी को दिखा रहा है, जैसा कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके ईमेल आईडी पर यह कुछ लिंक सेंड किया हुआ है, जिससे कि आप लोग कन्फर्मेशन के लिए वहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो हमारा ईमेल आईडी जो हम दिए हुए थे, उस ईमेल आईडी पे हमारा लिंक को सेंड कर दिया गया है। तो हम अपने इस लिंक पर क्लिक करके अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। जैसे इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अगला इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से खुल करके हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा इंटरफेस आ चुका है। तो आ जाने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू न्यू जो लिखा हुआ है, तो इसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा अगला इंटरफेस है तो हमें रीडायरेक्ट कर देगा और हमें फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम अपना कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर के चला आया, तो यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से है। नेट स्लो होने के कारण इस तरह से हो रहा है। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग देखिए अब आगे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है होम, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे लिखा है जो माई कोर्सेस और यहाँ पे लिखा है ऑल कोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए ये 3 ऑप्शन के ही तहत हम जो भी काम करने वाले हैं तो करेंगे। यहाँ पे इसका कोर्स को पूरा करना है, ये सब का जानकारी आपको हम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे जो ही हम यहाँ पे ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितना भी हमारा कोर्स इसमें अवेलेबल है वो हमारा कोर्स यहाँ पे ओपन होकर के आएगा। तो हमारा थोड़ा सा नेट स्लो है, तो यहाँ पे हमारा कोर्स ओपन होकर के आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो आने के बाद आपको हम कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आधार प्रमाणीकरण का परिचय, जो कि इसी का यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू आधार ऑथेंटिकेशन एंड सेटिंग। तो
तो ए इसी का इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो नामांकन जो लिखा हुआ है तो इसी का यहाँ पे इंग्लिश में डिवाइड करके यहाँ पे इनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे दो कोर्स हमारे सामने अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पे चार भागों में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आधार प्रमाणीकरण का परिचय, तो यहाँ पे हम आधार का प्रमाणीकरण करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोर्स पर क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा इनरोल मी का ऑप्शन आएगा, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो असाइनमेंट है वो हमारा खुल करके आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 8 यूनिट, यहाँ पे 5 आवर्स, मतलब कि यहाँ पे 8 असाइनमेंट होगा और यहाँ पे 5 आवर्स में हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है जो इसका लैंग्वेज। बोलने के बाद यहाँ लिखा है प्री असाइनमेंट, तो हम लोग इस पर देखिए यहाँ प्री असाइनमेंट है, फिर यहाँ पे सेल्फ लर्निंग है, फिर यहाँ पे फाइनल असाइनमेंट है। फिर देखिए हम नीचे आपको बताना चाहते हैं कि जब ये सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इस सब में जब ही हम अपना एग्जाम देंगे तो यहाँ पे हमें 70% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर हमारा 70% अगर नहीं आता है तो हमारा सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे जनरेट होकर के नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे प्रेस असाइनमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन आएगा। तो हम जैसे ही यहाँ पे अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा खुल करके अब सामने आएगा, जो कि इसका इस प्रकार से आंसर देना होता है। आपको हम यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं क्यूज का, तो यहाँ पे 10 मिनट का समय देगा आपको। 10 मिनट में इसके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको सबमिट करना है। अगर 10 मिनट में नहीं करते हैं तो आपका जो सेशन है, जो भी क्वेश्चन खुला हुआ है, रनिंग करने के बाद अगले इंटरफेस पे लेकर के जाएगा हमें। इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब हमें दिखाने में वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस सब का जो भी फुल डिटेल्स है फुल वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।